लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हाल ही में एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने नामदेव भगत ने दावा किया है कि वे जब चाहें नवी मुंबई कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस के 70% कार्यकर्ता आज भी उनको चाहते हैं, जिन्हें वे कभी भी एनसीपी में ला सकते हैं। कांग्रेस में अपनी घर वापसी कर पाने से नाकाम रहे नामदेव भगत ने कहा कि नवी मुंबई के कांग्रेस नेताओं ने ही पार्टी को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, इसीलिए उन्होंने मेरी घर वापसी को रोकने की साजिश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी पार्टी एनसीपी है, जिसे बढ़ाने के लिए वे दिन रात काम करेंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। मैं पार्टी के लिए खड़ा हुआ, पार्टी टिकट देते गए, ये मुझे हराते गए। हमें बेरोजगार पार्टी को राम राम करके शिवसेना में चला गया, लेकिन कुछ लोगों के वजह से मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला नहीं। आज मैं चाहूँ तो कांग्रेस के 70-60% लोग मैं राष्ट्रवादी मिला सकता। कांग्रेस में घर वापसी से नाकाम रहे और हाल ही में एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने यही वो नामदेव भगत हैं, जिन्होंने दावा किया है कि वे जब चाहें नवी मुंबई कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि नवी मुंबई कांग्रेस के 60-70% कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें आज भी चाहते हैं, जिन्हें वे कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इसीलिए चाहते थे कि मेरे जरिए नवी मुंबई कांग्रेस को नई ताकत मिले, लेकिन स्थानीय नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। भगत ने अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी और रमाकांत मात्रे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने दूसरे दलों से नवी मुंबई कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है और इसीलिए नवी मुंबई कांग्रेस लगातार बर्बाद हो रही है, यह आगे और भी टूटने और बर्बाद होने वाली है। नाना पटेल लोग को मुझे लेने का उसका एक ही मकसद था कि नवी मुंबई में हमको रिजल्ट चाहिए, लेकिन इनको नहीं चाहिए। वो आज भी मैं बोल रहा हूँ आपको, आज मैं चाहूँ तो कांग्रेस के 70-60% लोग मैं राष्ट्रवादी में ला सकता है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। आज की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस की वाट लगाई है और भी ये लोग लगाएंगे और उनको वैसा ही करना है। मुझे लगता है कि इन लोग ने सुपर लिया है कि कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल नामदेव भगत शिवसेना में उपेक्षा से परेशान होकर कांग्रेस में जाना चाहते थे ताकि दोबारा मनचाहा काम करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका, उन्हें वे इतिहास बता रहे हैं कि जब वे नवी मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, तब मनपा चुनाव में पार्टी का दमखम कितना बड़ा था। उन्होंने कहा कि आज स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार और प्रभाग तक सीमित कर दिया है। यह हर गठबंधन इसलिए कराते हैं ताकि इनके घर वाले चुनाव जीत सकें। नामदेव भगत ने यह भी दावा किया कि इसी वजह से कांग्रेस खात्मे की कगार पर है, जबकि पार्टी में उनकी आज भी अच्छी छवि मौजूद है। कांग्रेस की मैं जब प्रेसिडेंट था तब 42,830 वोट कांग्रेस पार्टी को महानगर पालिका में बेलापुर मतदार संघ में था, ऐरोली मतदार संघ में 22,400 वोट मिला था। इतनी स्थिति कांग्रेस की थी, अभी वो स्थिति बिल्कुल इनके घर घर तक सीमित रही। अब उनको वही चाहिए, हमको आगाड़ी करो, युति करो, ओपन करो, छुपे करे, हमारे घर के लोग चुन के आना चाहिए बस। मैं बोलना चालू करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। मुझे बोलना आता है, पार्टी टिकट देते गए, ये मुझे हराते गए, तो पार्टी बड़ा होने के लिए मेरा जो चाप थी वो आज भी है। फिलहाल नामदेव भगत ने एनसीपी को नए सिरे से मजबूत करने और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। नामदेव भगत उस नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस में अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, जिसे दिग्गज नेता गणेश नाइक छोड़ गए हैं, जिस पार्टी में स्थानीय संगठन और जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े दोनों निष्क्रिय हैं। बीजेपी और शिवसेना के वर्चस्व और कांग्रेस नेताओं की खुन्नस के बीच नामदेव भगत के लिए यह काम इतना आसान नहीं होगा। फिर भी वे दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार ने उन पर जो विश्वास दिखाया है, उसे सार्थक करते हुए वे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में
राष्ट्रवादी कांग्रेस को नई मुंबई में और मजबूत करेंगे और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैं अभी उपाध्यक्ष करके काम कर रहा हूं, नया लोगों को मैं मेरा पार्टी जो अजित पवार साहब ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है मैं वो पार्टी मजबूत करूंगा। अशोक गावड़े साहब को और हम साथ में आए और ताकत हम देंगे और उनके मार्गदर्शन में और शशिकांत शिंदे साहब और जितेंद्र आवड़ साहब है, ये सब प्रशांत दादा है, ये सब लोग को मिलके हम लोग, परंजय साहब है, उनको मिलके हम काम करेंगे और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।